गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अम्ल क्षार एवं लवण, एसिड, बेसिस एंड साल्ट्स। व्हाट आर एसिड्स? अम्ल किन्हें कहते हैं? अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन के धनायन देते हैं, H प्लस आयन, और नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और स्वाद में खट्टे होते हैं। ये अम्ल कहलाते हैं। अम्ल के उदाहरण कौन कौन से हैं? जैसे HCl, CH3COH, यानी कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एसिटिक एसिड, ये आपके अम्ल है। और इसको जब हम इसका अभियोजन करते हैं, अपघटनीय अभियोजन, तो HCl हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन में ये टूट जाता है। अब अम्ल दो प्रकार के होते हैं, प्रबल अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड और दुर्बल अम्ल वीक एसिड्स। एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से हैं? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। और इसी तरह से वीक एसिड के एग्जांपल क्या क्या हैं? CH3COH एसिटिक एसिड और H2CO3 कार्बोनिक एसिड, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, ये सारे वीक एसिड्स हैं। अब आइए क्षार, बेस किन्हें कहते हैं? बेस यानी कि क्षार, क्षार वे यौगिक हैं जो जल में घोलने पर वियोजन के उपरांत हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, OH- आयन उत्पन्न करते हैं, उन्हें क्षार कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड इक्वल सॉल्यूशन, इसको जब हम वियोजन करते हैं तो ये सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में टूट जाता है, ये कहलाते हैं क्षार। क्षार भी दो तरह के होते हैं, कौन कौन से? स्ट्रांग बेस यानी कि प्रबल क्षार, वीक बेस यानी कि दुर्बल क्षार। इसी तरह से हमने पढ़ा था कि दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल, इसी तरह से दुर्बल क्षार और प्रबल क्षार। अब इनके एग्जांपल्स आपको मालूम होना चाहिए कि प्रबल जो क्षार हैं उनके उदाहरण कौन कौन से हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये कहलाते हैं स्ट्रांग बेस। और वीक बेस कौन कौन से हैं? NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और MgOH होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये उदाहरण हैं दुर्बल बेस, दुर्बल क्षार के उदाहरण। और यहाँ पर ये प्रबल क्षार के उदाहरण, तो आपको ये इसका ध्यान रखना होगा कि दुर्बल अम्ल कौन से हैं, दुर्बल क्षार कौन से हैं, उनके उदाहरण याद रखें। तो फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, दुर्बल अम्ल आपके एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड और सल्फ्यूरस एसिड, और प्रबल अम्ल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। इसी तरह से प्रबल क्षार पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और दुर्बल क्षार अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये दुर्बल क्षार कहलाते हैं। अब आता है लवण। लवण किसे कहते हैं? लवण अम्ल तथा क्षार जब उदासीनीकरण अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को लवण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल NH3 क्षार है प्लस HCl अम्ल है, और इसकी जब उदासीनीकरण अभिक्रिया जब होती है तो ये क्षार अम्ल अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं NH4Cl, जो एक लवण है अमोनियम क्लोराइड। इसी प्रकार जलीय मिलिय में अम्ल व क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण व जल प्राप्त होते हैं। NaOH इक्वल सॉल्यूशन, HCl इक्वल सॉल्यूशन, और आफ्टर रिएक्शन NaCl प्लस H2O, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl के साथ अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड साल्ट बनाता है और वाटर होता है। ये लवण के परिभाषा हो गई और लवण के उदाहरण। अब आते हैं लवणों के प्रकार, यानी लवणों का क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट। साल्ट 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 नॉर्मल साल्ट, नंबर 2 एसिडिक साल्ट, नंबर 3 बेसिक साल्ट, नंबर 4 मिक्स साल्ट, नंबर 5 डबल साल्ट, और नंबर 6 कॉम्प्लेक्स साल्ट। अब सबसे पहले आपको ये पता होगा कि सामान्य साल्ट यानी जो नॉर्मल साल्ट है उनके परिभाषा क्या है और उनके उदाहरण क्या है। नॉर्मल साल्ट वे लवण होते हैं जो H+ आयन या OH- आयन नहीं देते हैं, सामान्य लवण कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल NaCl सोडियम क्लोराइड, और KNa3 पोटेशियम नाइट्रेट। इस तरह से एसिडिक साल्ट क्या होते हैं? अम्लीय लवण, वे लवण जिनमें विस्थापनीय H+ आयन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल NaHSO4 सोडियम बाइसल्फेट, और NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। इसी तरह से बेसिक साल्ट जो क्षारीय लवण है उनकी परिभाषा क्या है? वे लवण जिनमें विस्थापनीय OH- आयन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल NgOHCl, ZnOHCl, PbOHNO3, ये कहलाते हैं क्षारकीय साल्ट कहलाते हैं। और उसके बाद मिश्रित साल्ट आते हैं जो मिक्स साल्ट कहलाते हैं। उनकी परिभाषा वे लवण जो जिनमें एक से अधिक प्रकार के धनायन या ऋणायन होते हैं वो कहलाते हैं मिश्रित लवण। फॉर एग्जाम्पल NaKSO4 इसका उदाहरण है, और नंबर 5 द्विक लवण यानी कि डबल साल्ट। दो सरल लवणों के जलीय मिलन के बाष्पीकरण से प्राप्त लवण को द्विक लवण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इनके उदाहरण हैं फिटकरी। फिटकरी का फार्मूला होता है K2SO4 H2SO4 3 24H2O। फिटकरी नंबर, उसके बाद आता है FeSO4 NH4 2SO4 6H2O। ये आपके दो उदाहरण है डबल साल्ट के। नंबर लास्ट है संकर लवण। संकर लवण यानी कि कॉम्प्लेक्स साल्ट। कॉम्प्लेक्स साल्ट क्या होते हैं? वे लवण जिनमें आयन अथवा उदासीन अणु किसी धात्विक धनायन के साथ उपसह संयोजक बंध बनाते हैं, ऐसे लवण संकर लवण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए K4FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइन। तो ये लवण हो गए आपके। लवण के वर्गीकरण कितने प्रकार के होते हैं, और अम्ल, अम्ल के कितने प्रकार के होते हैं? 4,
क्षार में दुर्बल क्षार, प्रबल क्षार। तो आपने ये सीखा आज अम्ल किसे कहते हैं, उनके उदाहरण क्या हैं, क्षार किसे कहते हैं, उनके प्रकार क्या हैं, उनके उदाहरण क्या हैं, और लवण किसे कहते हैं और लवण कितने प्रकार के होते हैं, सभी के उदाहरण आपको सिखाए गए हैं। थैंक यू।